सॉफ्ट एक्सिस ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसे डीबीएमएस भी कहा जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक इसके पहले अभी भी है फॉक्सरो, डाटाबेस के रूप में हमें फॉक्सरो का भी यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कैसे ओपन करेंगे। तो अभी हमने 2007 डाल के देखा है, इसमें ये डाला हुआ, ठीक है। तो ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। लगभग सारे एमएस एक्सेस एक से ही रहते हैं, बस थोड़ा सा फीचर्स जो होंगे कम ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको दिखाया गया है, देखिए क्या लिखा है, ब्लैंक डेटाबेस, क्या लिखा है राइट यहां पर लिखा हुआ है ओपन रिसेंट डेटाबेस, मोर यहां पर और, मतलब कोई फाइल नहीं खोली है, अपन इंस्टॉल किया है, इसलिए ये डायरेक्ट सिंपल फॉर्मेट में दिख रहा है। यदि पहले से कोई टैबलेट यूज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहां ब्लैंक पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए क्या आया, फाइल बाय डिफॉल्ट आ गया डेटाबेस वर्क, क्या आ गया, चाहे तो इसका नाम बदल सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्रिएट कर दिया, क्या कर दिया, अब जैसे ही क्रिएट किया तो देखिए टेबल स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने आ गया, बोल रहा है एड न्यू फील्ड, पहले आईडी बना दी फिर एड न्यू फील्ड, आप आईडी बना सकते हैं, जैसे हमने बना दिया नेम, क्या कर दिया, ठीक है। तो ये कॉलम भी एड होते जा रहा है बाय डिफॉल्ट, या तुम अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हो तो यहां चले जाओ, कहां पर डिजाइन, और ये डेटाबेस का नाम मांगेगा तो यहां पर अपना नाम दे देना उस टेबल का, जी आ गया। यहां पर हमें फील्ड जैसे लिखना है नेम, क्या लिखा नेम, ओके। अब यहां पर डेटा टाइप होता है, डाटा टाइप होता है कि किस प्रकार का डेटा इस फील्ड में भरा जाएगा, जैसे तुमने देखा होगा फॉर्म भरते हो, जैसे चाहे पीजीटीसीए का हो चाहे डीसीए का हो, उसमें कॉलम बने हुए हैं, डेट जैसे आता है डेट ऑफ बर्थ आता है तो उसमें लिखा है दो कॉलम आगे फिर अवलेख फिर दो कॉलम फिर बीच में फिर अवलेख फिर चार कॉलम, तुमने टाइप बनाया, डेटा टाइप बनाया कि आपको दो डेट के दो मंथ के चार ईयर के अक्षर लिखना है, शब्द लिखना है, अंक लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर भी डेटा टाइप दे सकते हो, तो इस डेटा टाइप में लिखा हुआ है टेक्स्ट, मतलब इस डेटा टाइप का कब चयन करेंगे, जब ए से जेड अक्षर और जीरो से नाइन के अंक और विभिन्न प्रकार की सिंबॉलिक चिन्ह का यूज करना है तो हम कौन से डेटा टाइप का चयन करेंगे, इसका उपयोग कहां कर सकते हैं, जैसे नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, किसी संस्था का नाम लिखना है, या क्लास लिखना है, जैसे अकेला टेंथ दस लिखना है तो फिर हम नंबर चुन सकते हैं, लेकिन यदि पीएचओ लगाना है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट ही लेना पड़ेगा, राइट। फिर मेमो फील्ड आया, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं मेमो फील्ड, ठीक है। जब हमें बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रखना हो, ये क्या करता है, टेक्स्ट देख लेते हैं, टेक्स्ट को देख लेते हैं, पहले टेक्स्ट का चयन कर लेते हैं, ओके किया, राइट। अब क्या होगा, इसको हमने व्यू मोड में कर दिया, तो यहां नेम के सामने हमने लिख दिया राम, आ गया, मान लो नंबर डाल दिया तो भी ले लिया उसे, क्योंकि ये टाइप कौन सा है, टेक्स्ट टाइप, ठीक है। तो यहां पर आपने सिंबल्स भी दे दिए,
तो यहां तीनों प्रकार का डेटा इनपुट हो गया। दूसरा टाइप का चयन करते हैं, यहां से मेमो ले लिया। तो मेमो फील्ड का चयन किया और हमने यहां व्यू डेटा पे आए। देखिए इसमें और इसमें अंतर ही नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अंतर आपको यह बनेगा। देखिए जब ये कितना डेटा को स्टोर कर रहा है, 200। फील्ड साइज कितनी है इसकी, इससे ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 255 कैरेक्टर ही इनपुट करा सकते हो इस फील्ड के अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पूरा पैराग्राफ लिखना होता है, तब क्या करोगे, तब आपको इस डेटा टाइप का चयन करना है। ठीक है, इससे एक अलग नाम की फाइल बन जाती है इस फील्ड से। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा स्टोर हम कर सकते हैं, राइट। इसकी साइज फ्री हार्ड डिस्क के स्पेस के बराबर होती है। कितना स्पेस स्टोर हो सकता है इसके अंदर, जितनी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है उतना डेटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है। क्लियर। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा नंबर। तो नंबर, यदि हम नंबर की बात करें तो यहां पर नंबर की फील्ड साइज में देखिए क्या लिखा है, लॉन्ग जी टाइप है, वाइड इंटीजर, लॉन्ग सिंगल डबल रिपब्लिकेशन डेसिमल लिखा है। तो इनकी सबकी अलग अलग साइज होती है वाइड। ठीक है, कम मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए जे केवल पूर्णांक वैल्यू को, इनकी सबकी अलग अलग साइज भी लिखवा देंगे। ठीक है, अब अभी हम बाय डिफॉल्ट यदि नंबर देना है तो लॉग इंटीजर में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो भैया नंबर। फिर नंबर के आगे हम जैसे बढ़े तो डेट एंड टाइम, तो जी तो क्लियर ही हो गया कि जब भी हमें डेट डालना होगी तो डेट एंड टाइम डेटा टाइप को करेंसी, जब भी मुद्रा के रूप में कोई भी बात करनी हो उसमें सिंबल भी दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं, एक्सेल में भी देखा। तो यहां से ऑटो नंबर जे यूनिक आईडी होगी आपकी टेबल में, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक रोल नंबर आए, ऑटोमेटिक आईडी जनरेट हो जाए। आप कहते हैं कि आईडी जनरेट ऑटोमेटिक होती है, हम कुछ नहीं करते, तो वो यहां से होती है। ऑटो नंबर लगा दिया मतलब एक के बाद एक रिकॉर्ड ऑटोमेटिक जनरेट होते जाएंगे, राइट, इसमें कोई दिक्कत। तो अभी हम और यस नो भी है, क्या है, हाँ या ना में जवाब देना है, कहीं रहता है आप एडल्ट है कि नहीं है, आप इंडियन है कि नहीं है। यदि ऐसी फील्ड आपने तैयार की है जहां पर यस और नो देना है फॉर्म में, तो वहां पर इसका यूज कर सकते हो। बाकी चीजें हम बाद में देख रहे हैं, ठीक है, कुछ खास चीजें देख रहे हैं। तो अब हम एक नया डेटाबेस तैयार करते हैं, जिसको हमने डेटा टाइप के बारे में समझ लिया, तो हम वापस क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ना हमें तो सेव करना ना कुछ। ठीक है, चाहो तो इसको पूरा बंद कर सकते हो, फिर एमएस एक्सेस एक्सेस को खोल सकते हो। इसका शॉर्टकट होता है जैसे वर्ड का विनवर्ड होता था, एक्सेल का एक्सेल होता था, पावर पॉइंट का पावर पीएनटी होता था, ऐसा इसका एमएस एक्सेस एक साथ जे एक्सी फाइल, राइट। तो अब रिसेंट हमारा पहला डेटाबेस ये था, अब दूसरा डेटाबेस हम बनाते हैं तो ऑटोमेटिक टू नंबर आ गया, या अपना नाम दे सकते हो।
फिर यहां पर हम डिजाइन पे चले जाएंगे और डिजाइन व्यू टेबल का नाम और यहां से आईडी यदि नहीं देना है जी बाय डिफॉल्ट आ जाता है जी ऑटो नंबर लगा है। क्या लगा? प्राइमरी की भी बना है और ऑटो नंबर भी लगा है। प्राइमरी की का मतलब है द्वारा वह नंबर रिपीट नहीं होगा इन कंडीशन में, यूनिक ही रहेगा, ठीक है ना। इसमें आप एडिट कर पाएंगे किसी प्रकार का। तो अभी जो हमने प्राइमरी की हटा दी है, क्योंकि प्राइमरी की फॉरेन की और प्राइमरी की के बारे में अलग से लेक्चर देंगे। तो यहां पर मान लो आईडी की जगह हमने केवल नेम ही लिखना है, ओके जे बाय डिफॉल्ट नेम रहता है, इसीलिए जो ऐसा मैसेज छोड़ता है टैग, तो उसका नेम को हमने कायम रख लिया टैग। डिस्क्रिप्शन दे सकते हो क्या? नेम ऑफ स्टूडेंट, या स्टूडेंट नेम लिख दो, क्या लिख दो? राइट मतलब क्या करना है उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे कभी किसी को समझ में नहीं आया तो उसका डिस्क्रिप्शन देख के पढ़ के वो समझ के उस डेटा को कंप्लीट कर सके। टैब दबाया जी आ गया, नेम के बाद एफ नेम, टैग हमने लिख दिया फादर्स, फादर्स नेम हमने लिख दिया, डेट डेट करेंट डेट डाल दी, ओके। तो इस तरीके से हमने डिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया। एज भी लिख सकते हैं, नंबर पर्याप्त। और यदि आपको क्या करना है, एड्रेस लिखना है, तो मेमो या टेक्स्ट दोनों में से अभी एड्रेस का ही यूज कर लिया है, राइट। और इसे आप सेव कर देंगे, राइट, इसको बंद कर देंगे, उस डिजाइन व्यू को बंद कर देंगे। आप इस टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेबल तैयार हो जाएगी, जो फील्ड आपने डिजाइन की है वो फील्ड है आपके सामने दिख जाएगी। अब भरेंगे कैसे ना, राम श्याम डेट कैलेंडर आ जाएगा यहां पर, देखिए आ गया। फिर यहां से एज या नहीं भी आया तो हम भर सकते हैं, मालूम नहीं आ रहा है तो 060, ठीक है, कोई भी डेटा लो, आ गया, बन जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या लिख दिया, एज। अब मान लो एज में हमने लिख दिया सेकंड, देखिए या फाइव लिख दिया, क्या लिख दिया? फाइव। आया? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो बोल रहा है कि डेटा टाइप क्या है आपका, देखिए क्या लिखा है उसका डेटा टाइप, उसको राइट फॉर्मेट में लिखे आप। तो जी तो कैरेक्टर टाइप लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हो? तो नंबर इसमें फिर क्या है, आपने जे लगा दिया, नहीं आया। आपने स्टार 1 2 3 लगा दिया, नहीं आया। जब तक हाँ माइनस लगा दो प्लस तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब हमने यहां पर देवरी, क्लियर, तो जी कंप्लीट डेटाबेस, ये सेव भी हो गया। भरते ही साथ जैसे दूसरे रिकॉर्ड पे जाओगे सेव, इसको अलग से सेव करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए डेटा आपका सिक्योर रहेगा। अब आपने बंद कर दिया, उसने मांगा सेव किया, किया तुमने से? नहीं किया ना। अब देखिए उसको खोलते हैं, डेटाबेस टू। ये यदि आप कोडिंग और इवेंट्स को रन करना चाहते हैं तो इसे इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। आ गया डेटा,
डेटाबेस बनाने में किसको प्रॉब्लम आएगी? भर सकते हो, बना सकते हैं। दूसरी टेबल बनाने के लिए ये लिखा है क्रिएट, क्या लिखा है? ये लिखा है टेबल। आ गया यहां से? आ गया? यहां नाम भी दे सकते हैं। क्लियर? ये हो गया। जैसे हम लिखते थे आईडी, मान लो रोल नंबर लिख दिया हमने, क्या लिख दिया? या एनरोलमेंट लिख दिया, एनरोलमेंट, R2 नंबर में एनरोलमेंट डाल दिया। अब इस यूनिक आईडी का मतलब क्या था? देखिए एनरोलमेंट आ गया, नेम आ गया, ओके। फिर यहां पर आप डिस्क्रिप्शन समझ चुके होंगे, डिस्क्रिप्शन लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? इसका विस्तृत रूप ही डिस्क्रिप्शन में हमें देना है या हेल्प देना है। हमने लिख दिया हिंदी, क्या लिख दिया? हिंदी, नंबर, मैथ्स नंबर, साइंस नंबर, और कुछ बचा? इंग्लिश हो गया, इंग्लिश नंबर और टोटल, राइट। इस तरीके से भी आप एक टेबल बना सकते हैं और इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब यहां न्यू लिखा है, यहां लिख नहीं सकते आप कुछ भी नहीं लिख सकते। इंटर करेंगे, जैसे लिखेंगे आप राम, ऑटोमेटिक नंबर जनरेट होंगे। आपने लिखा 45, अब आप चाहते हैं यहां टोटल आना चाहिए ऑटोमेटिक, तो आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ होगा। लेकिन अभी केवल डिजाइन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? डिजाइन। तो डेटाबेस क्रिएट कर दी, किस पर नहीं बनेगा? जे वाला जो हमने बनाया नेम, सिटी, सैलरी, जो भी है, बन जाएगा, कोई दिक्कत? फिर इसमें क्या होता है, डेटा भरते जाओगे भरते जाओगे, जो आप मेल मर्ज में करते थे इसी फाइल का यूज करते थे, मेल मर्ज में जो काम करते थे वो इसी डेटाबेस का यूज करते थे, आप पहले भी बनाना सीख चुके हैं, लेकिन उस समय हम जानते नहीं थे कि होता भी है ऐसा कुछ। ये लिखा जियो कनेक्शन, अरे भैया, ये लिखा माई डेटा सोर्स, ये बनी हुई, ठीक है। तो यहां पर जो क्लियर हुआ, कोई भी डेटाबेस तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से ये हमारा क्लियर। इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा तुम्हारा, यहां पर बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, देख अलग अलग टेबल डिजाइन, यहां से आपको तीन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। टेबल क्या? फॉर्म, फिर रिपोर्ट। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ये तीनों चीजें कंबाइंड होती है। जितने भी डेटाबेस या हमारे पास जो एप्लीकेशन बन के आ रही है जिसमें फीडिंग का काम होता है, एक डेटाबेस होता है जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, दूसरा उस डेटाबेस को दिखाने का फॉर्म व्यू में होता है जिससे आपको परेशानी ना हो, और तीसरा होता है तुम्हारा जब भी आपको प्रिंट निकालना है कैसे निकालोगे। मान लो आपने ये बना लिया, तीनों का मिश्रित रूप बता देते हैं, आपने टेबल तैयार कर ली, अब आप आगे कहां पर? फॉर्म डिजाइन पर। देखिए यहां से आपने एड फिल कर दी, उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप, ये लिंक बन गई, ओके,
कुछ समझ में आया? अब देखिए, इस फॉर्म में हमने डेटा को सेट कर दिया तो अब भरने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमने कोडिंग भी कर दी। कोडिंग कैसे? कि जब भी हम लास्ट में इंग्लिश में कोई भी डेटा भरेंगे तो सबका टोटल अपने आप आना चाहिए। ये कोडिंग दिया है, लिखा है कोड, लिखा है ना। इस पे गए, कौन सा इंग्लिश की बात कर रहे थे तुम, क्या किया? टोटल बराबर इंग्लिश प्लस हिंदी, जैसा उधर लिखा है। और कुछ? बस आया, लिखा महेश 60, कोई भी नंबर। रिकॉर्ड स्टोर, यस। अरे यार ऐसा मत करो बेटा। देखिए आ गया डेटाबेस में। अब इसका आउटपुट हमें कहां चाहिए? रिपोर्ट पर। ये उठाया, कैसे उठाया? ये आया, दोनों सबको सिलेक्ट किया, ओके। अब हमने क्या कर लिया, इसका लाल पीला नीला बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना है, बॉर्डर डालनी है, जैसा भी करना है, सब कुछ कर दिया, ओके। अरेंज सेंड टू बैक, ये सब आता है, आता है। अब इसका प्रीव्यू देखने की बारी आई, देख लो भैया कहां जाओगे। आ गया, दूसरा देख लो, एक ही पेज में चाहिए थे, एक ही पेज में सारे आ जाएंगे। वापस क्लोज कर दिया, इसको हमने खिसकाया, इसको हमने। अब देखिए आपकी रसीद जनरेट होने लगी है, आपकी मार्कशीट प्रिंट होने लगी, काम काहे के लिए? जैसा फॉर्मेट हम चाहते हैं वैसा हम फॉर्मेट यहां डिजाइन कर सकते हैं। डेटाबेस कहीं भरेंगे और वहीं पर एक कमांड बना देंगे, क्लिक करें तो अपने आप प्रिंट भी हो जाए, मतलब एक पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर का स्वरूप भी धारण कर सकता है। इस तरीके से एमएस एक्सेल इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट हो सकता है इसके। ठीक है, तो कैसे किया आपने, फिर से देख लीजिए। हाँ,